कर्नल कोठियाल ने भी तो जनसेवा की आपकी तरह। केदारनाथ कर्नल कुठियाल ने हुई जनसेवा का मुझे उदाहरण बताइए क्या किया उन्होंने, कि हाँ आपका जिक्र। केदारनाथ में उन्होंने नौकरी करते थे, तनख्वाह ली, जो काम मिला वो काम को ठेकेदारों से काम कराया, उसको जनसेवा नहीं बोलते हैं। फ्री में उन्होंने कोई काम नहीं किया, उसका बकायदा उन्होंने पैसा लिया गया। जो आप जिस परिप्रेक्ष्य में आप बात करना चाहें वहां का इशारा कर रहा हूँ, कि जिस केदारनाथ की आप बात कर रहे हैं, जी अगर उसकी परतें उगड़ेंगे तो बहुत चीजें निकल जाएंगी, उस चुनाव में बात करेंगे उस चीजों की। सरकार आपकी तो थी, आप खोलते पड़ते। देखिए वक्त आएगा तो वो चीज भी आएगी, लेकिन कहना मैं हूं किसी पर व्यक्तिगत आरोप आरोप के पक्षधर नहीं है। नहीं, केदारनाथ में अगर कुछ हुआ तो आपको पड़ते खोलनी चाहिए थी, सरकार आपकी है। नहीं, जब अश की आवश्यकता महसूस होगी, देखिए जब लड़ाई होती है तो सारा अमनिशन एक साथ नहीं निकल जाते, सारे हथियार एक साथ नहीं निकाले जाते। कभी पहले एयर बम्बार्डमेंट होता है, फिर टैंक चलते हैं, फिर पैदल सेना जाती है, तो जब वक्त आएगा तो उस हिसाब से तो बातचीत की ऐसा जाएगी। महसूस हो रहा है कि फौजी के सामने फौजी आकर कहेगा और आपके पास कुछ टैंक में बारूद है, लग नहीं, रहा है आपकी बातों से, मैंने कहा देखिए जब वक्त आएगा तो उन और जोशी बातों, जी फ्रंट पर आके लड़ाई लड़ेंगे। नहीं देखिए मैं तो भारतीय जनता पार्टी का फाइटिंग फोर्स का सिपाही हूँ, मेरी पार्टी जब मुझे जिम्मेदारी देती है आपने देखा होगा मैं सबसे आगे रहता आप कर्नल हूं। को चुनौती दे रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं कि एक क्या ऐसे कई कर्नल आ जाए तो भारतीय, मैं कह रहा हूं आज देखिए मोर्चे पर सिपाही लड़ता है, सिपाही भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमांड जनरल करता है, सारे जनरल हमारे पास। कि कर्नल कोठियाल, केदारनाथ में आपदा मुंह खोलूंगा तो दिक्कत आ जाएगी। उन्होंने फ्री में काम नहीं किया, ठेकेदारों से काम करवाया, और किस बात की सेवा? एक उदाहरण तो दीजिए। आपने सुने होंगे वो अल्फाज और वो लफ्ज जो गणेश जोशी ने बोले, आपका खून खोला कि नहीं? देखिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर और प्रदेश स्तर का नेतृत्व, मुझे लगता है कि बयानबाजी के लिए माहिर है, पहले जुमलेबाजी के लिए थे, उसके बाद आज ये बयानबाजी के लिए थे। जैसे त्रिवेंद्र रावत ने कही, तीरथ सिंह रावत ने कही, और पुष्कर धामी ने कही कि मैं चोरी नहीं रोकने दूंगा, मैं नहीं कहूंगा तुम्हें जो करना है। आज उसी तरह से गणेश जोशी, जिन्होंने एक बेजुबान पशु की टांग तोड़ दी थी, आज वो गणेश जोशी कोठियाल साहब के बारे में कुछ कह रहे हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा कि एक ऐसे व्यक्ति जिसने जो है राष्ट्र की सेवा की है, केदारनाथ वो पुनर्निर्माण तो कह का रहे थे अहम कि एक भूमिका उदाहरण दीजिए निभाई जनसेवा है। का। वो कह रहे थे मैं चुनौती देता हूं, एक उदाहरण दे जनसेवा का। जो काम करवाया उसमें पैसा लिया, फ्री में काम नहीं किया। लेकिन मैंने, मेरा सवाल घुमा रहे आप। मेरा सवाल ये था कि आपने ये बयान सुने, आपका खून खौला? बीजेपी बौखला चुके हैं और इनको जवाब देगी जनता, इनके कहने से कुछ नहीं होता। और इन्हें लग रहा है कि कर्नल कोठियाल जो है गंगोत्री से जीतने वाले, गंगोत्री से जो व्यक्ति चुनाव जीतता है उसकी जिसने सरकार जीती बनती है, गंगोत्री सरकार उसने के बनाई सत्ता। मुख्यमंत्री मेरा है, सवाल गंगोत्री राष्ट्रभक्त जीतने या हारने का होंगे, नहीं है। जिन्होंने शिशुपाल जी, कारगिल मेरा छोटा सा कारगिल में सवाल लड़ाई था, लड़ी थी, मेरा छोटा जिनके सा सवाल था। मैंने कहा कि आपने ये बयान सुने, आपका खून खौला? ऐसे मंत्री के बयानों की हम निंदा करते हैं, सर आप उन्हें जो निंदा है करते थोड़ा हैं। सोच सुना समझ आपको करके गुस्सा अपने आया, बयान क्रोध देने आया, चाहिए। गुस्सा आया, क्रोध आया कि आपके चेहरे के ऊपर इस तरह से आरोप लगाया? गुस्सा आया, क्रोध आया? नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं, इनको अब अपनी जमीन खिसकती हुई देख रहे हैं, इसलिए एक राष्ट्रभक्त के ऊपर मैं तो कह रहा हूं कि शिशुपाल जी, जिसके आपको सीने में गुस्सा आया आज भी ना, पाकिस्तान के क्रोध आया आतंकवाद ना? की दो गोलियां हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जब आपको गुस्सा आया, क्रोध आया, तो कर्नल कोठियाल ने चुप्पी क्यों साध ली? हमारी नहीं, टीम कर्नल उनके पास कोठियाल साहब पहुंची के इस हम इंटरव्यू को जवाब दे रहे लेकर। हैं, हमारी हम टीम गणेश पहुंची तो जोशी को उन्होंने कहा भारतीय कि जनता इस पार्टी पर को कुछ नहीं मुंहतोड़ जवाब बोलेंगे। दे रहे हैं कि कर्नल वो एक कोठियाल चुप सैनिक क्यों का है? अपमान करके, एक राष्ट्रभक्त का भक्त का अपमान करके, पूर्व सैनिकों का, कर्नल सैनिकों का कोठियाल अपमान चुप करके क्यों भारतीय है? जनता पार्टी। वो कह रहे हैं कि वक्त आने पर खुलासा करूंगा। कर्नल कोठियाल डर गए क्या? कर्नल कोठियाल डर गए नहीं, कर्नल तो फिर सर चुप मैं क्यों है कर्नल डिबेट में कोठियाल? बैठा हूं, मैं बैठा हूं डिबेट में, देखिए भारतीय जनता पार्टी आज बौखला शिशुपाल चुकी जी, है, विषय और वो भारतीय नहीं जनता है। पार्टी आज जिस शख्स सैनिकों पर का आरोप अपमान कर लगाए, रहा जिस था शख्स ने कर्नल आरोप कोठियाल के लगाए, बारे वो में। चुनौती दे रहे हैं, और कर्नल कोठियाल कह रहे हैं मैं इस पर कुछ बोलूंगा नहीं। उस इंटरव्यू को आप मैं कह देखिए, रहा हूं न्यूज कि वन इंडिया की टाइमलाइन में मैं पड़ा चुनौती है देता हूं उसको। गणेश उसको जोशी को। हजारों लोग देख चुके हैं इंटरव्यू को। लेकिन बीना जोशी जी, ये कर्नल साहब चुप क्यों हैं? इतना संगीन आरोप, वो भी अगर मैं इस चर्चा को नहीं करवाता, अगर कोई कोई छोटा नेता, छुटपैया नेता इस तरह का आरोप लगाता कर्नल के ऊपर, तो मैं नहीं करवाता चर्चा। मैं कहता इस चर्चा की जरूरत ही क्या है? हर पार्टी में चिंटू मिंटू होते हैं, हर पार्टी में होते चिंटू मिंटू। आपकी पार्टी में भी है, उनकी पार्टी में भी है,
और उन चिंटू मिंटू पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये चिंटू मिंटू नहीं है ना कोई, ये तो मंत्री हैं जो खुद कहते हैं कि मैं पूर्व सैनिक हूं, अभी उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन कर्नल साहब चुप हो जाते हैं, कहते हैं ना बाबा ना ना, केदारनाथ पर नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा। जोशी कह रहे हैं कि बताओ, बताऊंगा वक्त आने पर, खुलासा कर दूंगा, लेकिन कर्नल साहब चुप हो जाते हैं। क्यों, क्या लगता है आपको बीना जी? देखिए कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां आपस में मिली जुली हुई है। अगर मिली जुली नहीं होती तो आज 4.5 साल होने जा रहे हैं, आज तक इन्होंने क्यों नहीं उन पे आरोप लगाए? और आज अगर आरोप लगाए हैं और वो चुप्पी साधे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उन दोनों की सांठगांठ है। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि भाजपा ए और आम आदमी पार्टी जो बी पार्टी है, भाजपा की बी पार्टी है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के एजेंट है, इसलिए वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। वरना अगर उनपे देखिए कर्नल है, कर्नल के ऊपर कोई आरोप लगाया गया है तो उन्होंने उसका जवाब देना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं वो भी इस घोटाले में लिप्त हैं। अगर वो इस घोटाले में लिप्त नहीं होते तो उन्हें आवाज उठानी चाहिए, सच्चाई जनता को बतानी चाहिए कि आखिर सच्चाई है क्या। उन पर कोई इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, तो आपको उसका जवाब देना चाहिए। बोलिए, अगर आप उसका जवाब नहीं दे रहे तो मतलब कहीं ना कहीं आप भी उस घोटाले में लिप्त हैं। घोटाले में लिप्त हैं वो कह रहे हैं शिशुपाल जी, आप घोटाले में लिप्त हैं इसलिए कर्नल चुप हैं, वो ये कह रही हैं। नहीं, ऐसा है कि मुझे मीना जी को पता कि कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के सरकार के टाइम पे केदारनाथ पुनर्निर्माण हुआ था, जिसका नेतृत्व आदरणीय कर्नल कोठियाल ने किया, उन्हीं की वजह से मुख्यमंत्री कौन था की यात्रा दोबारा से सुगम हुई। मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री तो बोगुणा जी थे, जिनके जो पेट्रोल की बात आ रही थी, जो चले गए थे आपदा में, तो कुर्सी उसके बाद आपदा में तो कुर्सी ही चली गई थी साहब, आपदा में तो कुर्सी ले डूबी। उसके बाद हरीश रावत जी आए थे जी। अब मैं उसी विषय पर आऊंगा, यही मैं सुनना चाह रहा था। लेकिन मनोज इष्टवादी, ये चल क्या रहा है? कर्नल कोठियाल पर गणेश जोशी इस तरह के संगीन आरोप लगा रहे और कर्नल कोठियाल कह रहे ना बाबा ना, मैं नहीं बोलूंगा ना ना। अगर राजभक्त देखिए फिर वही बात, वो कह रहे कि कौन सी जनसेवा की, एक कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि कर्नल कोठियाल ने कौन सी जनसेवा की। मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा केदारनाथ आपदा क्या उन्होंने काम नहीं किया, तो उन्होंने कहा कौन सा काम किया, तनख्वाह ली, फ्री में काम किया क्या रावत जी? उन्होंने कहा, दोबारा सुनाओ, वो कह रहे तनख्वाह ली, फ्री में काम किया क्या? उन्होंने कहा कि ठेकेदारों से काम करवाया, मतलब ठेकेदार बना दिया उनको। 20% घोटाला करके भाजपा कांग्रेस ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया है। परते उखाड़ेंगे वो आपकी, वो बोल रहे हैं मैं परते उखाड़ूंगा, बिल्कुल एक एक परते उखाड़ेंगे, बीजेपी कांग्रेस की आम आदमी की सरकार बनती। आप क्या करेंगे? आप तो चुप्पी साध गए, आप चुप हो गए। नहीं नहीं चुप्पी नहीं, आप चुप हो गए, निराधार बातें, आप चुप हो गए, आपके ऊपर आरोप लगाया आप चुप हो गए, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। बीजेपी कांग्रेस एक भ्रष्टाचार बचाने वाली पार्टी को, ईमानदार पार्टी को दागदार बनाना चाहती है। तो आपके ऊपर आरोप लगा तो जवाब कौन देगा? क्या सीमा जी जवाब देंगी या बीना जी जवाब देंगी? जिनके ऊपर आरोप लगा वो चुप्पी साध लेंगे। कर्नल कोठियाल इस बात को लेकर चुप्पी साध लेंगे कि भैया मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं क्यों बोलूं? क्या गणेश जोशी कोई छुटपैया नेता है? धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। एक कैबिनेट मंत्री आपके मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर यूं आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया और आप लोगों ने चुप्पी साध ली, अब पब्लिक क्या समझेगी? सर मैं तो इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, मैंने कह दिया आपके ऊपर आरोप नहीं है ना, जो है आपके ऊपर आरोप नहीं है। मुख्यमंत्री से पूछे, दूसरी जो है आपके मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर आरोप है, एक कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया है। मैंने स्पष्ट कह दिया, इस तरह का आरोप कर्नल पे लगाना पूर्व सैनिकों का अपमान करना जैसा साहब, यही बात वही बोल दे, यही बात कर्नल साहब बोल दे, यही बात कर्नल साहब बोल दे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, यही बात कर्नल साहब भी बोल सकते हैं। या तो पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी वाले बोलेंगे या पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस वाले बोल देंगे, कर्नल साहब नहीं बोलेंगे, समय आने पे बोलेंगे, लेकिन पहले इनसे तो जवाब दो जो आरोप लगा रहे। ये पी और सी टीम जिन्होंने उत्तराखंड को 21 साल बर्बाद करने का काम किया है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया शिशुपाल जी, आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टाइमलाइन पर जाएंगे, आपको वो यूट्यूब पर
जिसे हजारों लोग देख चुका है, फेसबुक पर सब जगह उपलब्ध भी लेगा इंटरव्यू। अब आपका विवेक, आपका नजरिया, आपकी सोच, अगर आपको लगता है कि आज आरोपों पर, इतने गंभीर और संगीन आरोपों पर आपको चुप्पी साधनी है तो आप चुप्पी साधिए। आपको कुछ नहीं बोलना, कुछ मत बोलिए। आपको लगता है कि इन आरोपों में वाकई कुछ दम है और कई हमारी कमजोर नब्ज ना दबा दे कोई, जो जनता सोच सकती है नैरेटिव, इसलिए आप चुप हो गए। देखिए राष्ट्र, आपके प्रदेश से लेकर और राष्ट्रीय नेताओं पर कितने आरोप लगे हैं। मैं कह रहा हूं सर, क्या कभी आरोप लगाने के लिए सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती? ये बात मैंने सीमा जी को कही कि आरोप लगाने के लिए सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती। हिट एंड रन, हिट एंड रन, केजरीवाल जी से पूछिए, पूछिए ना केजरीवाल जी से हिट एंड रन क्या होता है, वो तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं हिट एंड रन। कोर्ट में जाके माफिया तक मांगी आप लोगों ने। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आरोप अगर संगीन है तो आपका विवेक, आपका नजरिया, क्योंकि पूछता है उत्तराखंड कि कर्नल साहब आज चुप क्यों हैं? कर्नल साहब, अगर आपने कुछ नहीं किया तो उत्तराखंड पूछता है कि इस पूरे सवाल जो खड़े किए गणेश जोशी ने, उस पर जवाब कब देंगे? कर्नल साहब पूछता है उत्तराखंड कि अगर वाकई में केदारनाथ में कोई घोटाले में आपका हाथ नहीं है तो आप गणेश जोशी की चुनौती को कब स्वीकार करेंगे? पूछता है पूरा उत्तराखंड